हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरदाना कार डेकोर। तो आज हम बात करेंगे फ्रॉन्क्स गाड़ी के बेस मॉडल के बारे में। तो ये जो गाड़ी आई थी हमारे पास, ये बेस मॉडल गाड़ी आई थी, तो इसमें हमने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू में जो हमने इसमें लगाई है, हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल की 180 वोट की। तो LED है जो वो बिल्कुल प्रॉपर जो हमने इसमें इंस्टॉल किया है। बात करें LED की रोशनी की, तो प्रॉपर रोशनी रहेगी। तो ये देख सकते हो वाइट LED हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। और अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की गई है। सबसे पहले जो साइड ग्लाइडिंग लगाई गई है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो साइड ग्लाइडिंग जो हमने इसमें लगाई है प्रॉपर फिटिंग के साथ, और ओरिजिनल हमने इसमें मारुति की जो साइड ग्लाइडिंग इंस्टॉल की गई है, देख सकते हो OM फिटिंग के साथ इंस्टॉल की गई है। बात करें साइड मिरर के बारे में, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के अंदर हमने फुली ऑटोमेटिक इंस्टॉल किए हैं। तो बेस मॉडल में जो शीशे लग के आते हैं वो ये शीशे लग के आते हैं, देख सकते हो आप। तो ये जो हमने इसमें लगाए हैं वो फुली ऑटोमेटिक साइड मिरर इंस्टॉल किए गए हैं। वर्किंग की बात करें साइड मिरर की वर्किंग की, तो वर्किंग आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो अभी वर्किंग ये देख सकते हो आप, मैं लॉक के साथ भी काम करेंगे और अनलॉक के साथ भी वर्क करेंगे। ये हमने जो लगाए हैं ओरिजिनल मारुति के ओरिजिनल पार्ट इंस्टॉल किए गए हैं। तो अभी बात करें अंदर के स्विच की, तो स्विच भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो जो स्विच इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये भी हमने जो लगाया है ओरिजिनल मारुति का इंस्टॉल किया है। तो अब बात करते हैं डोर वाइजर के बारे में। तो जो इस गाड़ी के अंदर डोर वाइजर इंस्टॉल किए गए हैं वो क्रोम लाइनिंग के साथ इंस्टॉल किए गए हैं, और हमारे पास आपको फ्रॉन्क्स गाड़ी के प्रॉपर डोर वाइजर भी मिलेंगे। बात करें लोअर गार्निश की, इस गाड़ी के अंदर नहीं लगाई गई, तो लोअर गार्निश भी आपको मिलेगी। तो बात करें अब हैंडल क्रोम के बारे में, तो हैंडल क्रोम भी नहीं लगवाए कस्टमर ने, क्रोम आइटम कम से कम लगवाई है, तो इस कारण हमारे पास आपको हैंडल क्रोम लोअर गार्निश भी मिलेगी। बात करें रूफ रेल की, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रॉन्क्स की जो रूफ रेल भी आई हुई है, तो इस गाड़ी के अंदर हमने जो लगाई है वो ओरिजिनल रूफ रेल ही इंस्टॉल की गई है। अब बात करते हैं रियर व्यू के बारे में। तो रियर व्यू में जो लगाया गया है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए कैमरा इंस्टॉल किया गया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो कैमरा लगाया गया है, ये कैमरा भी हमने जो लगाया है वो AHD कैमरा इंस्टॉल किया गया है इस गाड़ी के अंदर। तो बात करें अलॉय व्हील की, तो आपको हमारे पास फ्रॉन्क्स के ओरिजिनल अलॉय व्हील भी मिलेंगे और आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील भी मिलेंगे, तो कस्टमर ने नहीं लगवाए। तो अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में भी सबसे पहले सीट कवर आते हैं। तो सीट कवर की बात करें, तो सीट कवर जो हमने इसमें लगाए हैं प्रॉपर OM फिटिंग के साथ ही इंस्टॉल किए गए हैं, इंटीरियर की मैचिंग के साथ ही लगाए गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सीट कवर लगाए हैं, फुली बकेट सीट कवर इस गाड़ी में लगाए गए हैं। अब बात करते हैं फ्लोर मैटिंग के बारे में। तो इस गाड़ी के अंदर जो लगाई गई है वो फ्लोर मैटिंग भी की गई है, और साथ ही साथ में आपको दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पे ये पार्ट आता है सेम ऐसे ही कलर का आता है, तो इसके अंदर हमने जो लगाई है डोर रैगजिन भी इंस्टॉल किया है, और गत्तों पे भी रैगजिन लगाई गई है। देख सकते हो चारों डोर्स के अंदर ये जो डोर रैगजिन लगाई गई है प्रॉपर सीट कवर की मैचिंग के साथ ही लगाई गई है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग के बारे में। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमने इसके अंदर लगाया है OM फिटिंग के साथ ओरिजिनल मारुति का ही स्टेयरिंग कंट्रोल भी लगाया गया है, जो टॉप मॉडल में लग के आता है वही हमने इसके अंदर स्टेयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल किया, देख सकते हो। तो बात करें वर्किंग की, तो आपको एक बार वर्किंग भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो प्रॉपर वर्किंग में रहेगा, और जो हमने इसमें लगाया है ओरिजिनल ही हमने इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल लगाया गया है। अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जो इसमें म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है वो विब्रोसोनिक का कारप्ले म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है T5 प्रोसेसर के साथ। तो ये देख सकते हो इसके अंदर जो Z-Link की एप्लीकेशन भी रहेगी, इसके अंदर आप प्ले चला सकते हो, यूट्यूब रहेगा, गूगल मैप रहेगा, ये प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। और बात करें फिटिंग की और फ्रेम के बारे में, तो जो फ्रेम हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया गया प्रॉपर फिटिंग के साथ ही हमने इसमें जो फ्रेम इंस्टॉल किया है, देख सकते हो, और जो ग्लोसी फ्रेम इंस्टॉल किया गया है, तो ये फ्रॉन्क्स गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। अब बात करते हैं स्पीकर के बारे में। तो जो स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं वो हमने इसमें इन्फिनिटी प्राइम सीरीज के स्पीकर इंस्टॉल किए हैं, और ट्विटर जो लगाए गए हैं यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, देख सकते हो। आगे हमने जो लगाए हैं वो कॉम्पोनेंट स्पीकर लगाए हैं। बात करें पीछे स्पीकर की, तो जो पीछे स्पीकर लगाए गए हैं वो हमने इसमें कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल किए हैं, तो जिसके साथ गाड़ी की जो आवाज़ है बिल्कुल अच्छी बन चुकी है, जो म्यूजिक आवाज़ बनेगी। और अब बात करते हैं डंपिंग सीट के बारे में। तो जो डंपिंग सीट इंस्टॉल की गई है इस गाड़ी के अंदर वो भी हमने इसमें मेगासोनिक की डंपिंग सीट इंस्टॉल की है, और अंदर बाहर की डंपिंग सीट लगाई गई है इस गाड़ी के अंदर। तो डोर रैगजिन आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो इसके साथ गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है, देख सकते हो। इंटीरियर का भी हमने काम किया जो इसके अंदर।
तो अब आपको दिखा देता हूँ जो इस गाड़ी के अंदर लगाया गया वो आर्म रेस्ट भी लगाया गया है। ये देख सकते हो दोनों सीट के बीच में प्रॉपर ओरिजिनल हमने इसमें जो आर्म रेस्ट इंस्टॉल किया है तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो जो आर्म रेस्ट लगाया गया है वो भी हमने इसमें ओरिजिनल ही लगाया है। बात करें यूएसबी पोर्ट के बारे में तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमने इसमें यूएसबी पोर्ट भी लगाया है ओरिजिनल मारुति का जो यूएसबी पोर्ट लगाया गया है यहाँ पे, तो ये भी प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। और अब बात करते हैं गियर नॉब के बारे में, तो गियर नॉब भी आपको हमारे पास टॉप मॉडल वाली मिलेगी। इस जो पीछे पार्सल ट्रे लगती है वो भी हमने इसमें लगाई है। बात करें पीछे के जो सीट कवर, जो बैक सीट के सीट कवर हैं, देख सकते हो आप, ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और डोर रैकिंग जो की गई है चारों डोर्स के अंदर की गई है, तो ये हमने जो सारी मॉडिफिकेशन की है सरदाना का डेकोर पे की है। और अब दिखा देता हूँ मैं आपको जो स्विच हमने इसके अंदर मिरर का लगाया है वो यहाँ पे लगाया गया है। और वर्किंग की बात करें तो प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। तो ये देख सकते हो मैं यहाँ से स्विच के साथ इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आप शीशे को भी एडजस्ट कर सकते हो लेफ्ट राइट। और ये थी फ्रोंक्स गाड़ी जिसको हमने बेस से टॉप कन्वर्ट किया सरदाना कार डेकोर पे। अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेस से टॉप कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो सरदाना कार डेकोर पे विजिट करें। थैंक यू।